नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप की सीरीज आपको मिल सकती है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले किया होना चाहिए, पहले किया हुआ है तो आंसर आराम से आ जाएगा। यानी मैंने ये बात बताई आपको कि भाई नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हैं तो जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है वो आपकी स्ट्रेंथ है, और वही आपको पेपर में मिलेंगे। जो आप बेसिक क्वेश्चन करते रहते हैं कि भाई इसका ये हो गया इसका ये, वो क्वेश्चन आपको पेपर में बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो देखिए कॉम्पिटिशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर हम इसको मैं एक सीरीज मान लेता हूँ ए, तो मैं देखता हूं ये क्या लिखा है, 1+ a। अगर मैं इसे सीरीज मान लेता हूं b, मैं देखता हूं ये क्या लिखा है, 1+ b। तो यानी एक तरीके से ये बन जाएगा a इंटू 1+ b माइनस 1+ a इंटू b। इसे सॉल्व करते हैं, अगर a+ab माइनस b-ab, यानी आपको ए माइनस बी निकालना है बेसिकली, और वही आपका आंसर होगा। ए क्या है, ये है, और बी क्या है, ये है। इसमें से इसे घटाना है। देखिए अगर आप इसमें से उसे घटाएंगे तो सबसे पहली बात तो माइनस का 1/2 मिलेगा, ये लिखा है आपके सामने 1/3, 1/4, 1/2009 माइनस 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/2008। तो देखिए माइनस का 1/2 मिलेगा, 1/3, 1/4, ये तो सब कट जाएगा 2008 तक। तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1/2009 माइनस 1/2। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस 2007 कौन 4018, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल बेसिक सी चीज़ थी, पर बेसिक कभी है जब आपने इस टाइप का क्वेश्चन पहले से किया हुआ है, और पहले से नहीं किया हुआ तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट आपसे पेपर में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। एक बार दोबारा से समझ लीजिए, इसको हमने ए माना, इसको बी माना, ये 1+ a हो गया, ये 1+ b हो गया। तो आपने देखा इसे इस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो केवल दो सीरीज के अंतर पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर आ जाएगा। अब आप लिख सकते हैं इसे। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये एक बेसिक सीरीज है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। क्वेश्चन नंबर 23, चौबीस,
25 देखिए, इन सभी सीरीज का आंसर निकालना है, सारी सेम पैटर्न पे ही है। देखिए सारे सेम पैटर्न पे हैं क्वेश्चन ये, अगर हम ध्यान से देखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन पैटर्न ऑब्जर्वेशन पे है, जैसे कि हमने पहले देखा था। यानी पैटर्न को पकड़ना है, किस टाइप का पैटर्न का आंसर बनेगा, इस चीज़ को हम आगे भी देखेंगे। अगर मैं केवल ये दो टर्म देखता हूँ, ये 1/2, ये 2/3, अगर केवल स्टार्टिंग की दो टर्म देखनी है सभी क्वेश्चन में, उससे ही आपको पैटर्न मिल जाएगा। अगर आपने स्टार्टिंग की दो टर्म देखी, उससे आपने देखा कि भाई 2 से 2 कट गया, ये 1, ये 3, यानी पहले वाले की ऊपर वाली टर्म और अगले वाले की नीचे वाली टर्म। पहले वाले की ऊपर वाली 2 - 1, 1 आ गई, अगले वाले की नीचे वाली यानी 3 आ गई। इसी तरीके से आगे तक करते रहेंगे, 3/4 आएगा, 3 से 3 कटेगा, फिर अगले वाले की आखिरी टर्म आ जाएगी। यानी आखिर तक जाएंगे तो पहले वाले की ऊपर वाली टर्म बचेगी यानी ये, और लास्ट वाले की नीचे वाली टर्म बचेगी यानी ये, तो 1/n आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखते हैं, केवल स्टार्टिंग की दो टर्म देख के ये देखना है कि पैटर्न क्या ऑब्जर्व हो रहा है, उसकी ऊपर वाली टर्म बच रही है, किसकी नीचे वाली टर्म बच रही है। आपने देखा 1/2 × 2/3, 2 से 2 कट गया, यानी अगर केवल दो ही टर्म होती तो पहले वाले की ऊपर वाली टर्म बच गई, दूसरे वाले की नीचे वाली टर्म बच गई। ऐसे ही आगे चलता रहेगा तो ऊपर वाली टर्म घटती रहेंगी, लास्ट में नीचे वाली टर्म बचेगी, तो यानी 1/n आ गया। 1 क्या है इसकी ऊपर वाली टर्म, n क्या है इसकी नीचे वाली टर्म। ठीक इसी तरीके से अगला देखते हैं। देखिए 3/2 हो गया, ये 4/3 हो गया, इससे ये कट गया, यानी पहले वाले की नीचे वाली टर्म और अगले वाले की लास्ट वाले की ऊपर वाली टर्म, 20 और 1 21, तो 21/2 आपका आंसर हो जाएगा। यानी केवल इस वाले क्वेश्चन में आपको इतना ही ऑब्जर्व करना है। अगर मैं अगला देखता हूँ, 3 × 6 - 1 5 हो गया, 5/3 × 10 - 3 7/5। तो मैंने क्या देखा कि पहले वाले की नीचे वाली टर्म बच रही है, तो आंसर में भी पहले वाले की नीचे वाली टर्म आएगी, और लास्ट वाले की ऊपर वाली, ऊपर वाली अगर देखते हैं 2002 - 999, 1003 आ जाएगी। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, केवल स्टार्टिंग की दो टर्म देखनी है, 3 × 6 - 1 5/3, 10 - 3 7/5, 5 से 5 कट गया, बचा 7/3, तो 7/3 आ गया। इससे हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि भाई जो पहला ब्रैकेट था उसकी नीचे वाली टर्म और जो दूसरा ब्रैकेट था उसकी ऊपर वाली टर्म, वो आंसर आ रही थी। तो यही इसका पैटर्न ऑब्जर्वेशन है कि भाई जो आंसर बनेगा उसमें पहले वाले की नीचे वाली टर्म तो बची रहेगी और आखिरी वाले की ऊपर वाली आएगी, जो कि 1003 हो गया। ठीक इसी तरीके से आपने यहाँ पर देखा, अगर मैं देखता हूँ 4 9/4, पहले वाले की नीचे वाली टर्म, दूसरे वाले की ऊपर वाली टर्म, तो आंसर में भी ये रहेगा, पहले वाले की नीचे वाली टर्म, आखिरी वाले की ऊपर वाली टर्म, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी ये सारी पैटर्न ऑब्जर्वेशन पे है सीरीज, जो एग्जाम में आ भी चुकी है। इस पे थोड़ी बहुत घुमावट भी हो सकती है, यानी देखेंगे एक आध क्वेश्चन किस तरीके से इसमें चेंज हो सकता है।